नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी अपनी हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। किसी विषय पर एक ही अनुच्छेद में अपना विचार लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसमें केवल मूल विषय पर ही ध्यान दिया जाता है। अनुच्छेद लेखन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद का आकार बड़ा ना हो, बल्कि विषय वस्तु का निचोड़ लिखा जाए। अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति विषय वस्तु के महत्वपूर्ण बिंदु की परिचायक होनी चाहिए। अनुच्छेद भले ही सीमित शब्दों में लिखा जाता है, परंतु उसमें विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे विचार क्रमानुसार सही रूप में लिखे गए हो और उनकी भाषा सरल हो। यह भी ध्यान रखना होता है कि किसी बात को दोहराया न गया हो और अनुच्छेद में वर्णन कम से कम शब्दों में हो, जैसे कि मेरा विद्यालय। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मैंने विद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ मैंने शिक्षकों से प्रेम पाया। इसी विद्यालय में आकर मेरा विकास हुआ। खेलना, पढ़ना, मंच पर चढ़कर बोलना, यह सब मैंने यहीं से सीखा। मेरे विद्यालय में 12वीं तक की कक्षाएं हैं। विशाल खेल का मैदान है। एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है। हमारे विद्यालय में पुस्तकालय है। हमारा विद्यालय आदर्श विद्यालय है। तो यहाँ पर मैंने जो मुख्य मुख्य बिंदु है उन पे फोकस किया हुआ है। तब आप भी जब भी कभी कोई अनुच्छेद लिखे किसी भी टॉपिक पर, तो उसका महत्व ध्यान रखकर लिखिएगा। धन्यवाद।